भाई लोग यही टायर मिला है उसे चाचा को, जेट स्टील JDO XD, ये 52,000 का जोड़ा है टायर। इधर ही कहीं नीचे से हवा निकल रहा है। ये रहा भाई लोग, छोटा सा है पंचर, टायर में भी कुछ लगा होगा ना, गिट्टी उट्टी। तो पापा गाड़ी को चलिए खाली कर देते हैं ईटा प्लांट में, क्योंकि इनका पट्टा पूरा भाई लोग एकदम उल्टा साइड का होने लगा है। बहुत दिन से, एक महीने से ऊपर हो गया, देखिए सब पट्टा एकदम इसका उल्टा साइड का होने लगा है। दोस्तों अभी खा रहे हैं भाई गर्मा गर्म अंडा पकौड़ा जोरापाली चौक में, देखिए जगदम्बा का जहाँ बनता है ट्रॉली। भाई लोग समय का अभी 2 बजने वाला है और अभी अपना गाड़ी लोड हुआ है। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल के ब्लॉग में आप लोग को तो बताए थे कि अपन गुड़ेली में आकर के सोए थे, 1 बजे रात में गुड़ेली पहुंचे थे। तो अभी हो रहा है भाई लोग समय का सुबह का 9 बजने वाला है और हम लोग गुड़ेली में ही हैं, फ्लाईओवर को खाली कर लिए हैं और आज गाड़ी में सोच रहे हवा चेक करवाने के लिए, क्योंकि दिन में आज है, टाइम मिला है तो सोच रहे हवा चेक करवा लिए। और दिन तो हम लोग शाम में पहुंचते थे, फ्लाईओवर खाली करते थे, फिर उधर से लोड लेकर के आ जाते थे, लेकिन आज दिन हो गया है हम लोग को। जैसे रात में कल खाली नहीं हो पाया फ्लाईओवर, अपना पेपर जो बोले थे आप लोगों को कि वो लेके चला गया था अपना। तो अभी चलिए हवा चेक करा लेते हैं गाड़ी का, उसके बाद मस्त नहा धो करके उसके बाद आज लोडिंग में जाएंगे। और अधे चाचा भी साथ में है, उनका भी नया टायर मिला है कल, तो वो भी नया टायर यहीं फिटिंग करवा रहे हैं टायर दुकान पे। तो अब यहाँ से हवा चेक करवा के नहा धो करके निकलेंगे हम लोग लोडिंग के लिए और देखते हैं आज कहाँ का लोडिंग मिलेगा। मेरे हिसाब से तो सब गाड़ी SKS ही गया है, कल जहाँ गए थे वहीं का लोडिंग हो सकता है होगा अपना गाड़ी अभी। भाई लोग यही टायर मिला है अधे चाचा को, जेट स्टील JDO XD, ये 52,000 का जोड़ा है टायर। ये सब मतलब रेडियल टायर तो है लेकिन ज़्यादा हाईवे में कूदाने के लिए नहीं है, लिखा हुआ है इसके नॉट फॉर हाईवे सर्विस, ये सब माइनिंग है मान के चलिए। ये भी देखिए हाईवे सर्विस के लिए नहीं है टायर, बहुत आवाज़ करता है गाड़ी जब दौड़ता है। तो सब 180 ना, 180 सब में। दोस्तों अपना अंदर वाला टायर लग रहा है पंचर है, क्योंकि 40 पॉइंट पहले से हवा था और उसमें हवा भी फुल की है, तो कहीं से लीकेज है शायद, ऐसा लग रहा है इधर ही से। चलिए इसको खुलवा करके बनवा ही लेते हैं भाई लोग, अच्छा हुआ चेक हो गया, जेक लगाते हैं अब। इधर ही कहीं नीचे से हवा निकल रहा है, नीचे में ही है एकदम, देखिए वो देखिए। दोस्तों ये टायर भी देखिए मेरा पहला बार ही खुल रहा है, जब से लगा है तब से 5-6 महीना होने वाला होगा, ले लूंगा मैं इसको, लगाया था। ये रहा भाई लोग, छोटा सा है पंचर, टायर में भी कुछ लगा होगा ना, गिट्टी उट्टी, गिट्टी गिट्टी तो इसमें छोटा गिट्टी तो नहीं मार पाता है रेडियल में, मारता ही तो बड़ा गिट्टी मारा होगा। भले पंचर छोटा हुआ होगा, गिट्टी लेकिन बड़ा ही लगा होगा कहीं, यही साइड था देखिए यहीं पे, ये देखिए ये लगा है यहाँ पे। भाई लोग अधे चाचा का भी देखिए नया टायर अब लग गया है, बहुत परेशान थे ये भी, और इनका एक पट्टा भी टूटा हुआ है, पट्टा बनेगा भी।
ये देखिए, और पट्टा तोड़ने वाला आदमी देखिए इधर है। शकल दिखाइए, शकल दिखाइए। यही आदमी तोड़े है पट्टा को। ये देखिए भाई लोग, यहीं पे थोड़ा सा दब गया है, गिट्टी लग गया है यहाँ पे। इसमें अब लगेगा ओमनी, ओमनी लगेगा ये वाला। पंचर बन गया कि? पंचर बन गया है, 45 नंबर है। दोस्तों समय का भी 11:30 हो रहा है और हम लोग अपूर्वा क्रेशर में आए हैं जीरा रोड करने के लिए। भाई लोग बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्रेशर अभी चल रहा है, वो 10 mm वाला डस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है इधर। और इतना दूर से लोड कर रहा है लोडर के क्या बताएं, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया अभी तक अपना गाड़ी पूरा लोड नहीं हुआ है, जबकि लोडर है। बाप रे डस्ट, वो देखिए उधर से माल लेकर के आ रहा है लोडर ऊपर से। आज लग रहा है फुल लोडिंग में नहीं हो पाएगा, तो उतना दूर से ला रहा है, ऊपर से रेम नहीं है नीचे में। जाने दो पूरा। भाई लोग अपना गाड़ी लोड हो गया है तो चलते हैं अब कांटा में, नहाते धोते हैं चल करके। अभी पेपर बन रहा है अपना इधर, और धीरे चाचा गाड़ी का फिर से देखिए बम्पर टूट गया, नीचे वाला जो बम्पर होता है गड्ढा था वहाँ एक बहुत बड़ा, उसी में लग गया। अब फिर से इनको अब लगवाना पड़ेगा इसको बोल्ट। नीलियन कंपनी में ना यही सबसे खराबी दिया है कि ये बहुत नीचे दे दिया ये बम्पर को, इसके वजह से गड्ढा में लगते ही रहता है। ये सब गाड़ी हाईवेज में चलने के लिए दिया है भैया, खदान में तरफ चलेगा तो क्या होगा। फिर भी थोड़ा सा ऊपर देना चाहिए था बम्पर को, बहुत नीचे दे दिया। चलते हैं, हम नहाते धोते हैं, उसके बाद खाना वाना खा करके हम लोग निकलेंगे। ऐसे भी नो एंट्री लग गया होगा रायगढ़ में, 1 बजे लग जाएगा जाते तक, तो क्या कोई मतलब नहीं है जाने से भी। दोस्तों समय का अभी 2:45 हो गया है और अभी हम लोग गुड़ेली से निकल रहे हैं। भाई लोग खाना पीना हो गया है, नहा धो लिए हैं और पेपर भी अपना देखे मिल चुका है, तो अभी लेट से आज इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि भैया कॉल किए थे कि रायगढ़ में जाम है, इसलिए गाड़ी लोग को अभी मत निकालना, थोड़ा लेट से निकालना। तो अब जाम खुल गया है, हम लोग चलेंगे खाली करने के लिए। थोड़ा थोड़ा बारिश भी देखिए अभी हुआ है, एकदम थोड़ा थोड़ा मौसम पूरा ठंडा कर दिया भाई, मज़ा आ गया एकदम। चलिए गाड़ी भी अपना रेडी है निकलने के लिए, चलते हैं उसके बाद खाली वाली करते हैं हम लोग का। देखिए भालू नारा जाना है, मैं सोचा इसके जाएगा 20 mm, लेकिन लोड हुआ है देखिए जीरा, ये भालू नारा जाएगा। भालू नारा ही लिखा हुआ होगा पर्ची में, राकेश कुमार अग्रवाल भालू नारा। चलते हैं खाली करने के लिए, अधेश चाचा भी निकले हैं अभी तुरंत। भाई लोग समय का अभी 4:45 हो रहा है और अभी रायगढ़ में हैं हम लोग, अपने भैया कीड़ा प्लांट में आया हूँ मैं। जब रास्ते में आ रहा था तो भैया कॉल किए थे कि एक गाड़ी को 6 mm को अपने ईटा प्लांट में खाली कर दो, क्या है कि जो अपना ईटा बनता है उसमें 6 mm भी डलाता है, तो पापा गाड़ी को चलिए खाली कर देते हैं ईटा प्लांट में, क्योंकि इनका पट्टा पूरा भाई लोग एकदम उल्टा साइड का होने लगा है, बहुत दिन से 1 महीने से ऊपर हो गया, देखिए सब पट्टा एकदम इसका उल्टा साइड का होने लगा है। खाली कर देंगे तो कुछ तो रेस्ट मिलेगा ना गाड़ी को।
चलिए भाई लोग, एक टेंशन खत्म हो गया। पापा गाड़ी अब खाली कर दिए हैं और आराम साइड में लग गया। अब वो आएंगे, शायद यहाँ पहुँचेंगे वो 27 तारीख को, क्योंकि 25 तारीख को अपना एक फेस्टिवल है शबे बारात, उसको बिता करके आएंगे पापा। अब लग रहा है 25, फिर 26 को गाड़ी पकड़ेंगे तो 27 को यहाँ पहुँचेंगे। चलिए भाई अब चलते हैं अपन लोग भी खाली करने के लिए। टाइम से खाली हो जाएगा तो फिर डीबी पावर आ जाएंगे लोडिंग के लिए आज ही। राशन वगैरह भी सब अपना ख़त्म हो गया, गैस भी नहीं है, नहीं तो खाना पीना बनाते। बनेगा कल से खाना पीना, या तो फिर पापा तो अब आ ही रहे, उतना टेंशन नहीं रहेगा। पापा आने के बाद मेरा टेंशन फ्री होता है, वही बनाते हैं खाना पीना। दोस्तों अभी खा रहे हैं भाई गर्मा गर्म अंडा पकौड़ा, जोरापाली चौक में। देखिए जगदम्बा का जहाँ बनता है ट्रॉली, यहीं पे है दुकान, मस्त अंडा पकौड़ा मिलता है यहाँ भाई। उसको तो 2 मिनट लगेगा, लेकिन पता नहीं मोबाइल वाली को कितना टाइम लगेगा, हमको चालू करने में समय लग जाएगा। दोस्तों समय का भी बच चुका है 7 भाई लोग, और हम लोग आ चुके हैं भालू नारा। यहाँ पे खाली करने का जगह नहीं है, बहुत ही मुश्किल से तो अपना गाड़ी खाली हुआ है, और उधर चाचा की गाड़ी के लिए जगह हम लोग देख रहे हैं अभी। यहाँ पे सोचे इनका गाड़ी खाली करने के लिए, चारों तरफ देखे भाई लोग माल पूरा भर गया एकदम, क्योंकि प्लांट भी चल नहीं रहा है यहाँ का। दोस्तों गाड़ी तो खाली हो गया है, लेकिन कांटा नहीं हो पाया है भाई लोग, क्योंकि जो कांटा करता है वो 5 बजे घर चला गया है, और रात में जो रहता है वो अभी कुछ काम से कहीं गया हुआ है। तो अभी डामर प्लांट के पास वही आया था, जो जाम लोग का कांटा होता है ना कोल्ड स्टोरेज में, वो भी इन्हीं का है। तो उसका स्टाफ अभी आया था इधर, तो बोले उसको, तो बोला कि अभी एक काम है करके आ रहा हूँ, उसके बाद कांटा करूँगा, हम लोग को 1 घंटा भी रुकने के लिए बोला है। चलिए भाई लोग क्या कीजिएगा, इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि कांटा नहीं करवाएंगे उसके बिना पर्ची हम लोग को नहीं मिलेगा साइन होके, यहाँ का रूल यही है क्योंकि एंट्री होता है वहाँ पे। तो चलिए इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कांटा वाटा करवा के और पर्ची लेकर के चलेंगे। रास्ते में कहीं खाना वाना खाएंगे, फिर डीवी पावर चलेंगे फ्लाई एस लोड करने के लिए रात में ही। देखते हैं अभी आगे क्या होता है, पहले कांटा तो करवा लें, कब आता है कांटा वाला देखते हैं। दोस्तों समय का 9 बज रहा है भाई, हम लोग पहुँच गए हैं डीवी पावर, और आज तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी है भाई, रात में इतना गाड़ी नहीं रहता है, लेकिन बहुत गाड़ी है। अंदर में देखिए पूरा भरा पड़ा है गाड़ी यहाँ कांटा तक, और बाहर में हम लोग का 20 गाड़ी के बाद नंबर है। तो अभी हम लोग चलते हैं कैंटीन से खाना वाना खा लेते हैं, फिर गाड़ी में आराम करेंगे। देखिए आज लग रहा है कि थोड़ा सा जगना पड़ेगा, कल रात में भी मैं 1 बजे सोया था, अब देखिए आज कितना टाइम लगता है। डाली तो दे दीजिए, खिचड़ी दे दीजिए उसे। थोड़ा सा बस। दोस्तों आज कैंटीन में बनाए भाई लोग खिचड़ी, चलिए रोटी भी है खिचड़ी भी है, बैगन का भरता मस्त लग रहा है। भाई लोग अपना गाड़ी तो अभी एंट्री नहीं होगा, पूछ करके आया था जो एंट्री करता है, वो बोल रहा है कि शिफ्ट चेंज होगा उसके बाद 11 बजे के बाद ही होगा एंट्री। तो चलिए तब तक गाड़ी में आराम करते हैं, 11 बजे का अलार्म लगा लेते हैं, फिर एक बार जाकर के पूछ लेंगे। रात में लोड करना ही पड़ेगा भाई लोग गाड़ी को, नहीं तो सुबह बहुत टाइम लग जाएगा और पूरा दिन कल का ख़त्म हो जाएगा मान के चलिए, इसलिए लोड कर लेंगे अभी और देखते हैं, निकल के बाहर ही सोएंगे। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता भाई लोग, अंदर में इतना सारा गाड़ी और बाहर में भी कि दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा एकदम। अभी रुकते हैं 11 बजे तक और जा करके देखेंगे फिर एंट्री होगा। भाई लोग समय का अभी 2 बजने वाला है, और अभी अपना गाड़ी लोड हुआ है, एक और नया समस्या हो गया, अभी सेलो में लगाया ही था, अंदर में ही गाड़ी का मतलब स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो गया था, तो बैटरी चेक करके देखा तो उसका खुट्टी जो होता है ना जिसमें वो क्लिप फंसा हुआ रहता है वो जल गया है और लफड़ा हो गया भाई लोग। अभी गाड़ी स्टार्ट ही है, चलिए अब इसको ऐसे ही स्टार्ट में अभी जो है कि फटाक से चल करके और कांटा वाटा करवा करके चले जाते हैं जगह पे, और उसके बाद फिर काम करवाएंगे कल। तिरपाल बांधते हैं फटाफट भाई। चलिए भाई लोग दोनों गाड़ी लोड हो चुका है, और अपना गाड़ी तो अभी भी स्टार्ट है, क्योंकि बंद कर देंगे तो फिर दोबारा से अधे चाचा को बुलाना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए, वो पकड़ना पड़ेगा वो दबा करके बैटरी का क्लिप को,
तो चलते हैं भाई लोग, हम गुडेरी में ही सोएंगे और आज के ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं। और उम्मीद करता हूं आप लोग को हमारा ब्लॉग पसंद आता होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी आपको मतलब अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिए अपने भाई की मेहनत के लिए थोड़ा। तो चलता हूँ अभी के लिए, बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।